हेलो प्रगति। हाँ देखिए, यहाँ से पढ़ना है हम लोग को कूलिंग इफेक्ट ऑफ एवेपोरेशन की। एवेपोरेशन का कूलिंग इफेक्ट क्या होता है? एवेपोरेशन मतलब जब भी भाप बन के पानी उड़ता है तो हम लोग को क्या फील होती है? कूलिंग होती फील की नहीं होती है? ओके पढ़िए बेटा फर्स्ट पॉइंट, लिक्विड नीड्स। यस सर, लिक्विड नीड्स लेटेंट हीट फॉर एवेपोरेशन। इट टेक्स इट्स हीट फ्रॉम थिंग्स इन इट्स सराउंडिंग्स। इट मीन्स थिंग्स इन सराउंडिंग्स लूज हीट एंड दस दे कूल डाउन स्वेटिंग। यस एक मिनट, लिक्विड्स नीड लेटेंट हीट फॉर एवेपोरेशन। जो चीज़ें होती हैं वो एवेपोरेट होने के लिए हीट गेन करती हैं, हीट की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जो स्वेट वगैरह, पसीना वगैरह और जो चीज़ एवेपोरेट होती हैं वो सराउंडिंग से हीट ले लेती हैं। तो सराउंडिंग से गर्मी ले लेंगी तो सराउंडिंग की गर्मी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिसकी वजह से सराउंडिंग जो होगा वो क्या पड़ जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा और वहाँ पे कूलिंग हो जाएगी। आगे पढ़ो बेटा, स्वेटिंग। स्वेटिंग व्हेन वी स्वेट वाटर इन इट एवेपोरेट्स टेकिंग लेटेंट हीट फ्रॉम आवर बॉडी, दिस कॉज कूलिंग। नेक्स्ट, व्हेन वी कम आउट। When we come out of swimming pool, water on our body surface evaporates. It takes heat from our body for evaporation, so we feel cool. Yes, when we come out swimming pool, water on our body surfaces evaporate. हमारी बॉडी का जो वाटर रहता है evaporate होता है, इसलिए हमें ठंडी लगा करती है ना, so we feel cool. आगे पढ़ो, spirit. Spirit evaporates very fast. When we keep it on our skin, it evaporates quickly, taking lot of heat from us, giving cooling sensation. हाँ, स्प्रिट एवेपोरेट वेरी फास्ट व्हेन वी कीप ऑन आवर स्किन। जब हम जैसे ही हम स्प्रिट को अपनी स्किन पे रखते हैं, ये बहुत जल्दी से एवेपोरेट होता है और टेकिंग अ लॉट ऑफ हीट, और ये हमारी बॉडी से बहुत सारी हीट ले लेता है, जिसकी वजह से हमें लगता है जैसे डिओड्रेंट वगैरह हम लगाते हैं ना, तो हमें लगता है ठंडा ठंडा लगता है, क्योंकि वो हमारी हीट से बहुत ज़्यादा, बॉडी से बहुत ज़्यादा हीट ले लेता है। नेक्स्ट है अर्थन पॉट, जिसको पिचर बोलते हैं। अर्थन पॉट पढ़ो बेटा, अर्थन पॉट। और पिचर, द अर्थन पॉट हैज मिनट पोर्स थ्रू व्हिच वाटर सिप्स आउट एंड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर डिपॉजिट ऑन आउटर सरफेस ऑफ पॉट। व्हेन वाटर इवेपोरेट्स इट टेक्स लेटेंट हीट फ्रॉम पॉट एंड वाटर इनसाइड, सो वाटर इनसाइड कूल्स डाउन। हां, so the earthen pot has minute pores through the water which sips out and droplets of water deposit on the outer surface of the pot. When this water evaporates, it takes the latent heat from the pot and the water inside. Okay, so water inside cools down. मतलब ये कह रहा है कि जो पानी भरा होता है मटके के अंदर, वो यहाँ पे बाहर बाहरी से छोटे छोटे पोर से आ जाता है, और ये जो पोर से क्या करता है कि ये अंदर वाली हीट को लेकर के ये वाला पानी बाहर एवेपोरेट हो जाता है। तो जैसे अंदर वाली हीट बाहर जाएगी तो ये पॉट के अंदर का पानी क्या हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा, क्योंकि हीट का निकलना मतलब कोल्ड हो जाना। अगला है टी इन सॉसर, मतलब सॉसर में टी भरी जाए, है ना, सॉसर। तो पढ़ो बेटा, द टी इन, वो सॉसर मतलब समझते हो प्याली, लोग पीते हैं ना टी डाल करके प्याली में, क्यों? जिससे गर्म ना लगे, है ना। yes, हाँ पढ़ो बेटा, व्हेन टी इज पुट ऑन सॉसर। पढ़ो, प्रकृति हैज लेफ्ट द मीटिंग। ओके हाँ ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। व्हेन टी इज पुट ऑन सॉसर, एवेपोरेशन इज फास्टर ड्यू टू द मोर सरफेस एरिया। दिस कूल्स टी फास्टर एंड मेक्स द इजियर टू ड्रिंक, जिसकी वजह से एवेपोरेट फास्टर होता है और हम टी को आराम से पी पाते हैं। नेक्स्ट पार्ट पॉइंट है कॉटन क्लोथ्स इन समर। पढ़ो पढ़ो समृद्धि। Cotton clothes in summer. Cotton absorbs water and thus sweats very fast. So sweat comes outside clothes in contact with atmosphere, then it evaporates and gives cooling. हाँ exactly. So ये cotton clothes जो होते हैं इसी की वजह से ठंडक दिया करते हैं। Next पढ़ो cooler. Cooler works on the concept of evaporation. When humidity is high, evaporation is very slow and thus cooler. Is ineffective, but in areas of low humidity, evaporation is fast and thus cooler is effective. Yes, मगर जो less humidity के area होते हैं, अगर humidity ज़्यादा होती है तो cooler ineffective होता है, मगर यदि अगर dry weather है या dry weather है तो उस समय cooler बहुत effective होगा, क्योंकि cooler के अंदर का पानी जो होता है वो atmosphere की energy को लेकर के क्या होता है? Evaporate होता है, जिससे कि एटमॉस्फेयर में ठंडक बढ़ जाती है और एटमॉस्फेयर की गर्मी कम हो जाती है। चलिए चैप्टर के लास्ट कुछ टॉपिक्स
टू मोर्स स्टेट ऑफ मैटर, तो मैटर की स्टेट जो और ज़्यादा आई हैं, एक है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये एक मैटर की स्टेट है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसके बारे में भी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। एंड एक और स्टेट ऑफ मैटर जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, तो ये तो ये बहुत दो इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ मैटर हैं। अब पढ़ते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। ओके, पढ़ो पढ़ो समृद्धि, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इन 1920 इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस did some calculations based on which Albert Einstein predicted that a new state of matter should exist. The new state was named as Bose-Einstein condensate. Okay. In 2001, Cornell Cattery and Weyman of USA received Nobel Prize for actually making this state in laboratory. मतलब 1920 का एक्सपेरिमेंट था जो कि इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था, और वो 2001 में आकर के उसको ले करके 2001 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। बी ई सी इज़ मेड बाई कूलिंग अ गैस एट वेरी लो टेम्परेचर, और यू कैन से वेरी लो टेम्परेचर टू सुपर लो टेम्परेचर। मतलब बी ई सी बनाने के लिए किससे बनती है, बी ई सी गैस से बनती है। और कब बनती है बी ई सी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कब बनती है, जब आप गैस के टेम्परेचर को लो से और ज़्यादा लो, उसको बोलते हैं सुपर लो। तो अगर आप गैस के टेम्परेचर को लो से सुपर लो करते हो तो डेट टाइम आपकी बोस कंडेंसेट आपकी स्टेट बनती है। नेक्स्ट लास्ट स्टेट है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा इज फाउंड इन सम ग्लोइंग सबस्टांस लाइक सन स्टार फ्लोरोसेंट ट्यूब नियॉन लाइट्स एटसेट्रा। तो प्लाज्मा क्या होता है, एक प्रकार का लिक्विड टाइप सबस्टांस होता है ना, जो कि आपका सन के अंदर, तो सन के अंदर फील करो क्या होता है, सन के अंदर जो स्टेट में, सन के अंदर मोल्टेन स्टेट में भरा हुआ है, उसको बोलते हैं सन के अंदर स्टेट जो है वो प्लाज्मा स्टेट है। ओके, सो प्लाज्मा इज फाउंड इन सम ग्लोइंग मतलब चमकदार चमकने वाली स्टेट लाइक सन स्टार फ्लोरोसेंट ट्यूब नियॉन लाइट्स एटसेट्रा। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ सुपर एक्साइटेड आयोनाइज्ड पार्टिकल एंड फॉर ऑफ गैसेस। तो प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं, आयोनाइज्ड पार्टिकल ऑफ गैसेस होते हैं, मतलब गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो आयोनाइज फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल सन हीलियम गैस एंड नियॉन लाइट नियॉन गैस। द एक्साइटेड आयोनाइज पार्टिकल ग्लो विद डिफरेंट कलर्स एंड बेस्ड ऑन द प्रेजेंट गैस ऑफ द गैस प्रेजेंट इन देम। ठीक है, गैस प्रेजेंट इन them in stars and sun plasma is formed because of nuclear fission in the stars. In neon lights and fluorescent tube it is formed due to the electricity. Plasma does not have definite shape or a definite volume unless enclosed in a container. Plasma may be defined as the electrically neutral medium of the positive negative particles. तो प्लाज्मा को ये माना गया, प्लाज्मा में भी डिफाइंड इज द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीडियम, मतलब इसे न्यूट्रल मीडियम माना गया है। चलिए तो बच्चों, ये इस चैप्टर की थ्योरी यहाँ पे आपकी समाप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। यस बेटा बोलिए कुछ। हाँ प्रगति कुछ बोल रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सो कुड यू एक्सप्लेन प्लाज्मा। यस बेटा, प्लाज्मा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। प्लाज्मा क्या है बेटा, गैसियस अगर अपनी आयनिक स्टेट में रहे, मतलब गैस जो होती है अगर वो आयनिक स्टेट में कहीं पर मिल जाए, आइदर प्लस आयन या माइनस आयन, और मिल करके एक बड़ा सा स्पेस बना लेती हैं, तो उसको अपन, ये जो बनेगा यहाँ पर गैसियस का आयनिक स्टेट का स्पेस, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। समझ गया ना, ये जनरली हाई टेम्परेचर पे मिलता है। तो प्लाज्मा इज फाउंड इन सम ग्लोइंग सबस्टांस लाइक सन स्टार फ्लोरोसेंट ट्यूब नियॉन्स। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ द सुपर एक्साइटेड आयनाइज पार्टिकल। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मा क्या कंसिस्ट करता है, प्लाज्मा कंसिस्ट करता है सुपर एक्साइटेड आयोनाइज पार्टिकल ऑफ गैसेस। तो ये गैस के आयोनाइज पार्टिकल को रखता है। ओके, एग्जांपल आपका हीलियम गैस हो गया, सन हो गया, नियॉन गैस हो गया। तो प्लाज्मा इसके सुपर आयोनाइज्ड पार्टिकल, एक्साइटेड आयोनाइज्ड पार्टिकल को मिल करके बना होता है। ठीक है ना, और ये अलग अलग आयनाइज पार्टिकल अलग अलग कलर से ग्लो हुआ करते हैं, अलग अलग कलर से ग्लो हुआ करते हैं। डिपेंड करती है कि कौन सी गैस आप ले रहे हो, तो उस गैस के हिसाब से अलग अलग पार्टिकल ग्लो हुआ करते हैं। प्लाज्मा का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, और ये किसी वॉल्यूम अनलेस इनक्लोज इन अ कंटेनर, जब तक इसको किसी कंटेनर के अंदर आप बंद ना करें।
ओके, प्लाज्मा में भी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रिकली न्यूट्रल मीडियम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल। प्लाज्मा को ये माना गया है कि ये न्यूट्रल है, क्योंकि जितने पॉजिटिव पार्टिकल बनते हैं, जितने पॉजिटिव आयन बनते हैं, उतने ही इसमें नेगेटिव आयन्स बना करते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स कंसिडर्ड एज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। डन। यस सर, थैंक यू सर। ओके, सो ये आपका प्लाज्मा कंप्लीट हो गया। चलिए, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन बच्चों। हाँ प्रियांशी, प्रियांशी आर यू देयर? सर हाँ बताइए बेटा, पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे? कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस मोड। सेल्सियस स्केल में कैसे कन्वर्ट करेंगे बताइए, कैसे करते हैं? केल्विन से सेल्सियस में कैसे जाते हैं? अरे हम देख रहे हैं इंस्टाग्राम चला। मैं आए? हाँ बताओ बेटा, कैल्सियम केल्विन से सेल्सियस में कैसे जाते हैं? सो टू गो इनटू द सेल्सियस वी हैव टू सबट्रैक्ट द गिवन सेल्सियस केल्विन इन इट बाय 273। हाँ एग्जैक्टली। तो आपको जो है पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें जो भी टेम्परेचर दिया गया उसे 273 माइनस करना पड़ेगा। प्रियांशी क्यों नहीं बन रहा बेटा, हमने पढ़ाया नहीं कि आपको सेल्सियस को केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना, मैंने नहीं बताया कि आपको? प्रियांशी बोलो बेटा। सर आई थिंक शी इज नॉट इन क्लास। ओके, सो 293 पहला दिया गया, 293। सो टू कन्वर्ट इट इन सेल्सियस व्हाट यू नीड टू डू, सब्ट्रैक्टेड बाय 273, योर आंसर विल हैव 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके नाउ समृद्धि, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू केल्विन। ओके वेरी गुड, एग्जैक्टली प्लस 273 कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री पढ़ता हूँ। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, इनके पीछे रीजन दो। फर्स्ट, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। बताओ नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं वो बिना सॉलिड में, वो विदाउट लीविंग एनी सॉलिड, बिना कोई सॉलिड छोड़े डायरेक्टली गायब हो जाती हैं, क्यों? गलत, वेपर नहीं होते। हाँ बताइए बेटा। Because the naphthalene balls are sublimate and the sublimate turns into vapor without leaving any solid. Yes, exactly. कि नेफ्थलीन बॉल्स जो हुआ करती हैं वो सब्लिमेट होती हैं। मैंने बताया था आपको क्लास में कि जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं वो सब्लिमेट होती हैं, और सब्लिमेट का रूल होता है कि डायरेक्टली जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली वेपर में बदल जाता है। समझ गए समृद्धि? हाँ पढ़ो बेटा आंसर समृद्धि। नेफ्थलीन बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल्स इज अ सब्लिमेट एंड अ सब्लिमेट टर्न्स इनटू वेपर विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, थस नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। वेरी गुड, सो विदाउट लीविंग एनी सॉलिड इट कन्वर्टेड इनटू द वेपर। नेक्स्ट, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। तुम बहुत दूर बैठी हो फिर भी तुम्हें परफ्यूम की खुशबू आ जाती है, व्हाई? गैसियस बहुत ज्यादा, गैसियस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसलिए इसलिए आपको खुशबू मिल जाती है। नो ये रीजन नहीं है, एक प्रोसेस होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, डिफ्यूजन। एग्जैक्टली, हाँ बेटा प्रिया बोलिए बोलिए बेटा बोलो। आई आस्क दैट प्रगति, दैट व्हाट, व्हाई वी कैन गेट द स्मेल ऑफ द परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, व्हाई? आंसर प्लीज। प्रगति, ओके पढ़ो समृद्धि। परफ्यूम टन्स, perfume turns into gas at room temperature, the vapor of perfume travels up to several meters because of diffusion, that's why we can get smell of perfume during sitting several meters away. Exactly, so this is the process of diffusion. Next question, arrange the following substance in increasing order of their force of attraction between the particle. Particle mein force of attraction, so you know sabse zyada kisme hota, solid mein, to solid sabse bada hoga, sugar sabse bada hoga, then uske baad liquid mein, तो शुगर के पहले कौन होगा, वाटर इज द लिक्विड, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने होगा, ऑक्सीजन में। सो करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन से ग्रेटर देन वाटर, वाटर से ग्रेटर देन शुगर। पढ़ो बेटा लास्ट लाइन एक्सप्लेनेशन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज अ गैस, थस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेगलिजिबल बिटवीन पार्टिकल्स, वाटर इज अ लिक्विड, थस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज मोर देन लिक्विड एंड लेस देन सॉलिड, शुगर इज सॉलिड, थस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज ग्रेटर। एग्जैक्टली, बच्चों समझ में आ गया सबको? व्हाट इज द
यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट बताइए। हाँ, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे? क्या होगा वाटर? सर लिक्विड लिक्विड स्टेट। होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर? सर सॉलिड। सॉलिड। एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर? सर लिक्विड एंड गैस लिक्विड एंड गैसियस। बिकॉज 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो होती है वो उस पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड भी एग्जिस्ट करता है, उबलता हुआ पानी, खोलता हुआ पानी, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर भी एग्जिस्ट करती है। तो ये लिक्विड और गैस दोनों स्टेट में होगा। एक्चुअली बच्चों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर के साथ भी सॉलिड स्टेट आएगा, मतलब इसमें भी ये ट्रांजिशन स्टेट है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है उसमें आइस के साथ साथ वाटर भी होता है। तो इसमें प्योर आइस इसको कहना फिजिक्स के हिसाब से गलत है। सो इसमें दोनों स्टेट होंगी, सॉलिड एज वेल एज लिक्विड, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी भी होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस भी होती है। कल मैंने बताया था 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर भी होता है और आइस भी होती है, ठंडा पानी, बहुत कूल पानी। चलिए नेक्स्ट, गिव रीजन टू जस्टिफाई। फर्स्ट पॉइंट, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड एंड अल्मीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बताओ बेटा। यस समृद्धि, गिव द टू रीजन टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। पहला पॉइंट पढ़ो। एट रूम टेम्परेचर वाटर हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनाइट शेप एज इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज कैप्ड। वाटर फ्लोज एट रूम टेम्परेचर एंड आयरन। एग्जैक्टली बेटा रुक जाओ, क्वेश्चन चेंज हो रहा है। तो इसलिए दो रीजन है, हिंदी नहीं पढ़ रहे ना, इसलिए ये दो रीजन है जिसकी वजह से ये वाटर क्या है यहाँ पे लिक्विड होता है, बिकॉज ये फ्लो हो सकता है, और दूसरा ये अलग अलग शेप, जो भी शेप आप इसको कंटेनर का दोगे उसका ले लेगा। अब अगला क्वेश्चन है, इन अल्मीरा एन अल्मीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, वाई? पढ़ो बी पॉइंट। एन आयरन अल्मीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट हैज डेफिनेट शेप, इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम। एग्जैक्टली, इट हैज डेफिनेट शेप एंड इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम। तो शेप और वॉल्यूम फिक्स है, इसलिए ये क्या होगा? सॉलिड होगा। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? सर आ गया। ओके चलो नेक्स्ट। ऋषिका क्लास में हो? ऋषिका, प्रगति, प्रकृति, प्रियांशी? यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। यस सर। व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर? ओके, तो कह रहा है कि 273 केल्विन, 273 केल्विन मतलब कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जो आइस होती है वो कूलिंग के लिए ज़्यादा परफेक्ट होती है, बशर्ते 273 केल्विन का लिक्विड, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जो आइस होती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर से इफेक्टिव होती है, क्यों? पढ़ो बेटा आंसर। एट 273 केल्विन आइस रिक्वायर्स मोर लेटेंट हीट टू मेल्ट इनटू वाटर व्हाइल वाटर एट 273 केल्विन रिक्वायर्स लेस latent heat to come to the room temperature. So ice at 273 Kelvin is more effective in cooling than water at the same temperature. Exactly. तो जो ice होती है 273 पर वो ज़्यादा होती effective होती cooling के लिए. Okay? क्योंकि वो ज़्यादा heat की उसकी requirement होती है, वो ज़्यादा heat की requirement लिया करती है. Next question. What produces more severe burn? Boiling water or steam? किससे ज़्यादा आप खतरनाक तरीके से जलोगे? बॉइलिंग वाटर से या स्टीम से? बॉइलिंग वाटर। गलत गलत, स्टीम से। बॉइलिंग वाटर से आप कम जलेंगे, क्योंकि ग्राफ देखिए कल मैंने बनवाया था, तो यहाँ पर पहले क्या गया था? लिक्विड गया था, ये आइस थी, आइस लिक्विड में बदला था, ये आइस थी, यहाँ पे इस पॉइंट पे आइस थी, ये लिक्विड था, और लिक्विड के बाद यहाँ पे स्टीम था। तो देखो ध्यान से, स्टीम बनने के लिए और ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, मतलब स्टीम के लिए हीट और ज़्यादा देनी पड़ेगी, मतलब स्टीम के पास हीट ज़्यादा होगी, तो स्टीम के पास हीट ज़्यादा होगी इसलिए वो ज़्यादा खतरनाक तरीके से जला पाएगी। पढ़ो बेटा, स्टीम प्रोड्यूसेस। यस सर। स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर बिकॉज स्टीम हैज मोर लेटेंट हीट देन बॉइलिंग वाटर। एग्जैक्टली, स्टीम हैज मोर लेटेंट हीट देन बॉइलिंग वाटर।
बॉइलिंग वाटर की तुलना में स्टीम के पास जो लेटेंट हीट होती है वो ज़्यादा होती है। चलिए अब अगला पॉइंट आपको बताना है कि ये प्रोसेस कौन कौन सी है। पहला बताइए, सॉलिड का लिक्विड में बदलना क्या कहलाता है? हीटिंग। हीटिंग और यू कैन से मेल्टिंग, दैट प्रोसेस कॉल हीटिंग और मेल्टिंग। ओके, बी प्रोसेस पे आ जाओ। बी कहाँ है भाई? बी दिख रहा क्या? बी ये है, लिक्विड का गैस में बदलना। व्हाट इज दिस? लिक्विड टू गैस, इट इज वेपराइजेशन। लिक्विड टू गैस, इट इज वेपराइजेशन। नेक्स्ट सी पॉइंट पे आओ। सी पॉइंट, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन और यू कैन से लिक्विफिकेशन। कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। डी पॉइंट पे आ जाइए। डी कहाँ ये है? लिक्विड से सॉलिड में बनना। फ्रीजिंग। एग्जैक्टली, फ्रीजिंग करना। ओके, ई पॉइंट पे आ जाइए। ई कहाँ ये? सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा? सब्लिमेशन। सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन। देन एफ पॉइंट पे आ जाइए। गैस का सीधे सीधे सॉलिड में कन्वर्ट होना, सब्लिकेशन का रेसिप्रोकल सॉलिडिफिकेशन। बिल्कुल सही, तो इसको सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। चलिए बच्चों, तो ये पूरा हो गया। इसको आप लोग लिख करके मुझे नोट्स बना करके इसको भेजेंगे, ठीक है? जी हाँ, इसको भी लिखना है, ये पूरा का पूरा आपको लिखना है, ठीक है बच्चों? बोलो डन। यस सर। यस। चलिए, हाँ प्रकृति रीड करो पहला क्वेश्चन। प्रकृति रीड करिए पहला क्वेश्चन। प्रियांशी आप रीड करो। यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। हाँ बताओ समृद्धि, कौन सा इसमें मैटर है? पढ़ो आंसर। चेयर, एयर, आलमंड, कोल्ड ड्रिंक, ये सारे ऑक्यूपाई स्पेस हैं। सो दे हैविंग सम मास एंड दे टेकिंग सम स्पेस, दैट्स व्हाई दे आर सपोज टू बी मैटर। बाकी की सारी फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स कभी मैटर नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए समृद्धि। गिव रीजन। Give reason for the following observation: the smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food, you have to go close. Yes. बिल्कुल, तुरंत के तुरंत बना हुआ गर्मा गर्म खाने की खुशबू आपको बहुत दूर तक आपको स्मेल मिलती है, मगर ठंडे खाने की स्मेल लेने के लिए आपको खाने के पास में जाना पड़ता है। खाने से पास में जाने पर स्मेल आती है, दूर रहने पर नहीं आती है। इसका रीजन पढ़ो समृद्धि। स्मेल। स्मेल्स ऑफ एनीथिंग कम्स बिकॉज ऑफ गैसेस इमेनेटिंग फ्रॉम द गिवन थिंग। द स्मेल रीचेस टू अस बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ हायर काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू हायर टेम्परेचर। दैट इज व्हाई smell of hot sizzling food reaches to us from several feet. On the other hand, the kinetic energy of gases emanating from cold food is low because of lower temperature. Due to this, we need to move closer to a close cold food to take strict smell. बिल्कुल सही बात है कि गर्मा गर्म खाने पे जो गैस के पार्टिकल होते हैं उसके पास में, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। एनर्जी ज़्यादा होती है, ज़्यादा ट्रेवल करते हैं, ज़्यादा ट्रेवल करेंगे तो खुशबू दूर तक जाएगी। मगर ठंडे खाने के पास जो पार्टिकल होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए वे ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो बेटा, पढ़ो समृद्धि। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? यस, डाइवर जो होता है वो कट करता है पानी को और आगे की तरफ बढ़ता है। व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? बताइए। वाटर इज ऑल्सो अ मैटर। हाँ आंसर पढ़ो। वाटर इज ऑल्सो अ मैटर। वी नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इन केस ऑफ फ्लूइड्स द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज लार्ज इनफ एंड ड्यू टू दिस इट्स बिकम्स इजियर फॉर अ डाइवर टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। यस, तो स्पेस बिटवीन
वर्टिकल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल वाटर इज लार्ज इनफ। तो ये मेन प्रॉपर्टी है कि जो वाटर पार्टिकल के बीच का स्पेस होता है वो बहुत काफ़ी बड़ा होता है, और उस स्पेस के बीच में से जो डाइवर होते हैं वो निकला करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी याद रख लीजिएगा कि द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज लार्ज इनफ एंड ड्यू टू दिस इट इज बिकम ईजियर फॉर द डाइवर टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। What are the characteristics of the particles of matter? Characteristics of the particles of matter. The particles of matter are very small. The particles of matter have space between them. The particles of matter are moving constantly. The particles of matter attract one another. Exactly. तो ये सारे के सारे property हैं matter की। Important question note कर लीजिए। Now page number 6 का question आपको बताना है। Question number 1 पढ़ो, activity based question number 1। The mass per unit volume of a substance. The mass per unit volume of a substance is called density. Density is equals to mass upon volume. Arrange the following in order of increasing density: air, exhaust from chimneys, honey, water, chalk, cotton, and iron. So air. सबसे डेंसिटी कम, उससे ज़्यादा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, चिमनी से निकलने वाली गैस, उससे ज़्यादा डेंसिटी कॉटन की है, कॉटन से भारी पानी है, पानी से भारी हनी है, हनी से ज़्यादा डेंसिटी चौक की है, चौक से ज़्यादा किसकी है, आयरन की है। क्लियर हो गया? एक बार एक्सप्लेनेशन फिर से पढ़ दूँ। एक्सप्लेनेशन, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, चिमनी एग्जॉस्ट इज ऑल्सो मिक्सचर ऑफ गैसेस अलोंग विद सम हैवियर पार्टिकल्स सच एज ऐश, दिस मेक्स द डेंसिटी ऑफ चिमनी एग्जॉस्ट more than air. Cotton is a porous solid and which has lot of air trapped within pores. This makes its volume more than water. Therefore, it is less dense than water. ठीक है। Next, tabulate the following differentiate between state of matter. अब ये state of matter के बीच में आपको differentiate पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? Solid, liquid and gas. सॉलिड का जो शेप होता है, एक मिनट, यहाँ पे इन लोगों ने हेडिंग्स नहीं लिखी हैं बच्चों, यहाँ पे इनको लिखना चाहिए कुछ ना कुछ, मतलब जो हेडिंग्स है, जैसे ये शेप की बात हो रही है पहले में, तो सॉलिड का शेप डेफिनेट, लिक्विड का शेप इनडेफिनेट और गैस का शेप इनडेफिनेट। अगला है वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनेट, लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट और गैस का वॉल्यूम इनडेफिनेट। समझ गए ना? जिस कमरे में गैस होगी पूरे कमरे में फैल जाएगी, सो वॉल्यूम इज इनडेफिनेट। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ो बेटा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स कंपेयर टू सॉलिड्स, नेगलिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। नेक्स्ट पैकिंग, अगला टॉपिक है पैकिंग। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड कंपेयर टू सॉलिड्स, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। नेक्स्ट कंप्रेसिबिलिटी, हाँ, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, कैन बी कंप्रेस्ड। ठीक है। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मोर देन सॉलिड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है वाइब्रेशन और मोशन, पार्टिकल्स कैन नॉट मूव रेदर देन वाइब्रेट ओनली एट द फिक्स्ड पोजीशन, पार्टिकल्स कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली। डेंसिटी नेक्स्ट, ओके, गैस में पार्टिकल कैन मूव फ्रीली, ओके। नेक्स्ट, हाईएस्ट डेंसिटी, हाईएस्ट डेंसिटी कैन नॉट फ्लो, डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड्स, लोएस्ट डेंसिटी। ओके, नाउ फ्लूडिटी, फ्लूडिटी के बारे में बताइए। हाँ, फ्लूडिटी, सॉलिड कैन नॉट फ्लो, लिक्विड फ्लो एंड गैसेस फ्लो। ओके, नाउ कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूडिटी, फिलिंग ऑफ अ गैस इन कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। इनके बारे में कमेंट, मतलब सबके डेफिनेशन लिखना है। पहले पढ़ो बेटा, रिजिडिटी, रिजिडिटी द ग्रेटेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स एंड क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स मेक सॉलिड रिजिड, रिजिड इज वन ऑफ द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, बिकॉज ऑफ रिजिडिटी सॉलिड कैन रेसिस्ट फ्रॉम गेटिंग डिस्टॉर्टेड, बिकॉज ऑफ अ रिजिडिटी सॉलिड हैज डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, रिजिडिटी इज नेगलिजिबल इन फ्लूइड एंड गैस, लिक्विड फ्लूइड एंड गैस। ओके, नेक्स्ट
Compressibility is one of the most important characteristics of gas because of lot of space between particles. A gas can be compressed to a great extent. Liquid and some cannot, solid cannot be compressed because of the least space between their particles. हाँ, liquid and solid cannot be compressed because of the least space between their particle. ये होगी compressibility. Next बात करते हैं fluidity की. What is fluidity? बोलो बेटा. What is fluidity? To flow is called fluidity. The less force of attraction and more space between particles make liquid and gas to flow. That's why liquid and gas are called fluid. हाँ, fluidity मतलब बहने का nature. तो fluidity जो होती है solid में कम होती है. ओके, सबसे ज़्यादा fluidity किसमें होती है? गैस में. The less force of attraction and more space between the particle make the liquid and gas to flow. That's why liquid and gas are called fluid. Next, filling of gas in a container. Filling of a gas container. Liquid do not fill a gas container completely, while gases fill the gas container completely, in which it is capped. This is because the particles of gas can move in all the directions. Shape. Solids have fixed shape. Liquids and gas take the shape of the container in which they are capped. This happens because of less force of attraction and more kinetic energy between particles of liquids and negligible force of attraction and highest kinetic energy between particles of gases. Solid का shape fix होता है, liquid का और gas का नहीं होता है. Next, kinetic energy. The kinetic energy of particles of solids is the minimum. They only vibrate and at the fixed positions. The kinetic energy of particles of liquid is more than that of solid, but they can slide above on another when another. The kinetic energy of particles of gases is the minimum. Maximum. Next, density. The mass per unit into volume of a substance is called density. The density of solid is highest, of liquid is less than solid, and gas is minimum. Density. The mass per unit volume of the substance is called density. The density of the solid is highest of a liquid. Solid is the highest, of liquid is less than the solid, and gas is minimum. Gas ki density jo thi minimum hoti hai. Chaliye, to aaj tak ke liye yahi aapko karna hai, theek na? बाकी के क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे और आपको करके ये सारे लाने हैं. ठीक है बच्चों.